मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास प्योर देसी मुर्गे हैं, प्योर देसी, जो कि दिन के समय इस फार्म के अंदर ये नहीं रुक सकते हैं। नहीं रुकने से मेरे को नुकसान होता है, क्योंकि अभी 18 जून हो गया, आज गर्मी का प्रकोप वैसे कैसे है। अभी सुबह का समय इतनी गर्मी हो रही है, आप पूछो मत, क्या बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गर्म आपके पास भी अगर देसी मुर्गे हैं, प्योर देसी मुर्गे, तो आप इसको गर्मी में कैसे बचाया जाए और ये कैसी देखभाल की जाए। और ऐसे मुर्गे आपने कभी देखे नहीं होंगे, देख सकते हो आप फार्म के अंदर कितने बेस्ट क्वालिटी के मुर्गे हैं मेरे पास में, असील, टेनी और कड़कनाथ, तीनों बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे हैं। मात्र मेरे पास छोटा सा फार्म है, 50 मुर्गों का, ज़्यादा नहीं है, मुर्गी मुर्गे मिला के 50, मेरे पास 50 से ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं रखता कि अभी गर्मी का सीजन बहुत खतरनाक चल रहा है, धूप बहुत राजस्थान में पड़ रही है, जिसके कारण ये मर रहे हैं। तो मैं इनको बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी सुबह का समय बिल्कुल, अभी सूर्य भी नहीं निकला, इनको अभी भी निकालूंगा बाहर, अभी इनको 9 बजे तक दबा के खाना खिला दूंगा, जो भी मेरे पास है, मीट है, आटा है, चावल है, दाल है, जो भी घर का पीड़े खिला दूंगा। फिर ये 24 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, इतनी धूप गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी इनकी। तो एक बार मैं इनको आपको निकाल के दिखाता हूँ, आप देखना कितने बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे हैं मेरे पास में। लेकिन ये आप देख सकते हो, असील मुर्गे, टेनी और कड़कनाथ। देखो ये बाहर निकल रहे आराम से, देखो ये देखो ये निकल गए, वो अंदर बोल रहा है, एक निकले बाहर कम ही निकल रहे, कोई निकल रहे, कोई नहीं निकल रहे। चलो जैसे मिनट निकाल देता हूँ बाहर, चलो बाहर निकलो, थोड़ा आइए शाबाश। अभी क्या सुबह सुबह बाहर निकल जाए तो अपना ये फ्री रेंज एरिया के अंदर उनको रखना पड़ता है। देसी मुर्गी है ना, वो एक जगह अगर आपके पास कम है ना, 8 या 10 मुर्गे, तो एक जगह आप रख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर एक जगह वो नहीं रह सकते हैं कि एक फार्म के अंदर, उनके लिए फ्री रेंज एरिया आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके अंदर रखोगे तो ये झगड़ा करेंगे, झगड़ा करें आपसे। मैं देखो देखो इसी मुर्गी का हाल तो क्या कर रखी है, देखो ये झगड़ा कर करके पूरे पंख आ गया इससे, तो ये हालात कर देते हैं। अभी निकल गया तो अभी इनको आपने निकाल दिया सुबह सुबह, अभी एक दो घंटे 3 घंटे घूमते रहेंगे दिन में 9 बजे तक, और अपना पेट भर लेंगे। और मैं इनको घर का फीड है, दाल है, सब्जी है, सब्जियाँ बची वो ला के डाल दूँगा, मीट वगैरह ला के इनको मैं डाल दूँगा, तो खाते रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये खा लेते हैं। फिर इनको क्या करना है, जो ये हमारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना आपको, इनमें अभी मैंने पानी डाल दूँगा, तो अभी इनके अंदर ये पेड़ पौधों के अंदर ये मिट्टी इसमें बैठ जाएंगे दिन में, कुछ अंदर आके इसके अंदर आके बैठ जाएंगे, और कुछ दिख रहे हैं पेड़ पौधे इनको बैठ जाएंगे। जब ये बच्चा है इसको अच्छी तरह धूप लगी, तो ये नहीं रहा, ये कड़कनाथ का बच्चा है, और देखो लेकिन नहीं रहा, इसको धूप लगी तो इसको लू लग चुकी है। तो उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया है, उनके पानी के अंदर मैं डिंग करके अंदर ग्लूकोन डी डालता हूँ, ओरियल का घोल डालता हूँ, और नींबू पानी भी डालता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इतनी धूप हो रही है। ये पेड़ पौधे कैसे सूख गए, देखो ये देखो कैसे सूख रहे हैं, इतनी धूप, अभी पता नहीं कब बारिश होगी तब जाके कोई इनका होगा कुछ कल्याण। ये देखो रात के समय कोई कीड़े आते हैं ना, वो खा रहे हैं, मेरे को कीड़े वापस नहीं जाते, कहीं आ जाते हैं ठंड की वजह से। जब इन पेड़ों में पानी डालते हैं तो कीड़े आके बैठ जाए रात के, बेचारे उनको भी गर्मी लगती है ना, छोटे मोटे कीड़े, तो उनको खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, आप देख सकते हो। फिर ये बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे, आप देखते हो इनके नीचे हमें जगह जगह पानी का बंदोबस्त कर रखा, तो इसको भी देखो कुछ धूप लगी से ऊपर कल्डी कल्डी हो रही है इसको, ये तो हमने यहाँ पानी रख रखा है,
इनको जब धूप लगती है तो इसके अंदर आके खड़े हो जाते हैं। इसके अंदर खड़े होने से इनके पैर भूखे रहते हैं तो उनको धूप नहीं लगती है। ये पेड़ दिख रही है ना, इनके नीचे आके बैठेंगे दिन में तो फिर इनको धूप नहीं लगी। ये पानी हमने डाल रखा है इधर, इनमें बैठ जाएंगे, ये जिसमें बैठ जाएंगे उधर तो बच्चे पानी पी रहे ना छोटे छोटे, उधर आके बैठ जाएंगे। ऐसे इनका बंदोबस्त आपको करना है धूप से बचने के लिए, पूरी पूरी इनको छाया करना, जगह जगह पानी का बंदोबस्त करना। बस जितना इनको पानी पिलाओगे इतना ठंड में रखोगे तो इनको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी आप बोलोगे फार्म में अंदर इनको रख के और कूलर लगा दो, कूलर लगा देंगे लेकिन कूलर का क्या फ़ायदा है, फार्म के अंदर रुकते नहीं है। ये फार्म के अंदर रुकने वाले मुर्गी है ही नहीं, ये झगड़ा मुर्गे हैं, असील मुर्गे हैं। देखो ये देखो असील के बच्चे, देखो ये देखो दोनों असील के बच्चे। दिन भर अब इनको फ्री रेंज एरिया में घूम के अपना जल्दी जल्दी चुग रहे हैं। जो समझदार मुर्गा है वो अपने जल्दी जल्दी कीड़े मकोड़े खा रहे। देखो मेरी तरह बदमाश है वो, सरपचाई करता घूमता है इधर। देखो ये पूरे अपना पेट भर लेंगे अभी दबा के। वैसे 9 बजे के बाद में कुछ नहीं खाते हैं लेकिन वो खाना नहीं देना फिर गर्मियों में। पूरे फ्री रेंज एरिया में घूमेंगे अभी दिन भर यार। चो चो करते करते सबको धूप में लू लगी है, बिल्कुल कमज़ोर हो रखे। देखो अभी देखो दो ये कट 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 कर रहे हैं, देखो इनको सभी को लू लगी हुई है। अभी मेरे पास बेस्ट मीट है वो लेके आऊँगा, बाज़ार से लाया हुआ है, फ्रिज में पड़ा है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में करके इनको डालूँगा। इससे पहले मैं देख लूँ ये कचरा खा ले इधर का, जो भी आप कीड़े मकोड़े खा लें। वो खाने के बाद कुछ देर बाद में उनको मैं घर का बचा हुआ फीड जो बाजार सब्जी ले वो दे दूँगा 9 बजे तक, फिर अपनी अपनी जगह पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ऐसे देसी मुर्गी को आपको रक्षा करनी है गर्मी में बचने के लिए, ठीक है। अभी गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, एक बात हमेशा ध्यान रखो, गर्मी में हर इंसान के जितने जिसके पास ही मुर्गी फार्म है ना उनके मुर्गे मरते हैं। और गर्मी के अंदर नुकसान होता है कि अंडे बिकते नहीं है, बच्चे निकलते नहीं है और मुर्गी अंडे कम देती है। तो गर्मी में किसान का, मुर्गी पालन वाले का, किसान का नुकसान होता भाई, तो क्या करें। तो मैं किसान को ये बोलना चाहता हूँ गर्मी के अंदर थोड़ा इनका ख्याल रखें। अगर आपके पास में हरियाली है या पानी का बंदोबस्त है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हरियाली तो बहुत खाते हैं। मेरे पास तो बंदोबस्त नहीं है ना, पानी की कमी है, बिल्कुल सूखी रेत पड़ा है। बस केवल ये जानवर खाते हैं या फिर बाजार से मैं लेके आता हूँ हरी चीज़ें वो डाल देता हूँ उनको भी। तरबूज बहुत सस्ते हैं, तरबूज ला के डाल दूँगा। खीरा ककड़ी भी सस्ते वो डाल दूँगा ला के। अभी तो उसके अलावा तीन कला चौथी चीज़ नहीं है, फिर हमने थोड़ी सब्जियाँ बो रखी है, इनके पत्ते डाल देता हूँ अभी काट के थोड़ी। वो साजन के पेड़ है उनके पत्ते डाल दूँगा वो खा लेते हैं। पपीता वगैरह वगैरह सब सूख गए, इतनी सब कुछ पेड़ पौधे सूख गए भाई, गर्मी इतनी धूप पड़ती है पूछो मत। अभी बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही, देखो कितनी धूप हो रखी है। अब बारिश ना हो तो क्या करें, बारिश जल्दी जल्दी हो तब जाकर निकलो तो बचना मुश्किल। अगर 15 दिन अगर बारिश नहीं होनी तो ये मुर्गियाँ मार गए, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे इधर, इतनी धूप पड़ रही है। इन्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैंने सर्दियों में पूरे सेल कर दिए थे, गर्मी में रखे नहीं, मेरे को पता गर्मी के अंदर मर जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। ऐसे मैंने बच्चे बहुत निकलाए थे असील के लेकिन तकरीबन सब खत्म हो गए। बहुत उनको उपाय किया, बहुत जो भी करना था पूरा कर लिया, नहीं बचे भाई। मैं खुद भी इतना जानकार हूँ, मैं भी 35 साल से मुर्गी फार्म करता रहा हूँ। इनका बेनिफिट का, इनका नुकसान का, हर चीज़ को मेरे को पता है, इनको बीमारी का। वैसे देसी मुर्गियों में बीमारी नहीं आती है, इनको वैक्सीनेशन नहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री रेंज में घूमते हैं इनको। लेकिन अभी लू लगते हैं, इनको क्या करें, अंदर इनको रख नहीं सकते, बाहर लू लग जाती है, इनको अंदर वैसे मर जाते हैं लग के। आप देख सकते हो उधर ये वो जो मकान दिख रहा है बच्चे रख रखे हैं इनके अलग से मुर्गियों के, क्या करें। ये तो हमारे एक देसी मुर्गी फार्म, कैसे पालन करते हैं, गर्मी से कैसे बचा, इनसे क्या बेनिफिट मिलते हैं। अभी अंडे तो मिल रहे हैं मेरे को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्या करें, अभी बच्चे नहीं निकले इतनी गर्मी में तो अंडे भी इतने खा ले सकते हैं। अंडे भी दे रही, ऐसी बात नहीं, अंडे दे रही है, क्या करें। अभी बोला अभी बारिश हो जाएगी तो बच्चे निकालूंगा, लेकिन अभी तो कब बारिश होती है, सर्दी तो मेरे को
ये 200 करने वहाँ पर 200 लमसम रखता हूँ, इतना बड़ा मेरे पास फार्म आराम से बैठ जाए। फार्म तो मेरे पास 500 मुर्गियों का, लेकिन मैं 200 रखता हूँ उसके अंदर। ये 80 लेने लड़ते झगड़ा करते हैं बाकी पर। वैसे मुर्गी काटने वाला आते रहते, लेकिन मैं देने रहा कटिंग वाला आते, मैं देने रहा सेल बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गी आप देख सकते हो।